सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मैं उनको नमन करना चाहता हूँ जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त किया, और आप सब भी जिन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त किए हैं आप कोशिश ये कीजिए कि यदि संपर्क में हैं तो उस गुरु के पास आज ज़रूर जाइए, उनको नमन कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। यदि आप उनके पास जाते हैं, गुरु के पास, यदि उनको केवल हाल चाल पूछ लेते हैं ना कि हाँ सर क्या हाल है, उनको बड़ा खुशी होती है कि मेरा शिष्य जो है आज विशेष दिन के दिन आया है और मुझे याद किया है। गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले गुरुओं को नमस्कार है। जैसे आप लोगों ने यह प्रोग्राम रखा है ना कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज सर केक कटेगा, तो बिल्कुल कंपटीशन क्लास के बच्चों ने यह किया है ना, उसके लिए धन्यवाद। और एक तो बात जो है आपको सिखाना यही चाहता हूँ बाबू, आपने जब से जन्म लिया उसके बाद से जिन जिन लोगों से आपने शिक्षा ग्रहण किया है वो आपके गुरु हैं, और गुरु का मतलब होता है बहुत बड़ा। वो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाते हैं, और कभी भी यदि कोई गुरु यदि आपको डांटते हैं मारते हैं तो आप उसको बुरा ना माने, आप उसको बिल्कुल आशीर्वाद समझिए। जिस व्यक्ति के अंदर गुरु के बातों को लेकर जवाब देने की प्रवृत्ति आ गई, समझ लीजिए उस शिष्य का विनाश तय है। यदि वह गलत कुछ बोल भी देता है तो उसको विनम्रता से आप जाइए, घर पर बैठिए, सोचिए क्या कारण रहा होगा कि मेरे गुरु ने मुझे यह बात बोला है। आप निश्चित ही एक निष्कर्ष पर पहुंच जाइएगा कि मेरी क्या क्या गलतियां हैं। गुरु कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं बोलता, वह आपके भलाई के लिए ही बोलता है। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें, गुरु के बिन कोई भी